बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कनाडा के खिलाफ जीत पर कहा है कि हमारे लिए फतह जरूरी थी, मैच जल्द खत्म करना चाहते थे मगर ऐसा नहीं हो सका। कनाडा के खिलाफ 7 विकेटों से पहली फतह हासिल करने के बाद बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जीत को कौमी टीम के लिए जरूरी करार देखते हुए इसका सहरा बॉलर्स को दिया। उन्होंने कहा, हमने शुरू से ही अच्छी बॉलिंग की और बॉलर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके कनाडा को 106 रन तक महदूद रखा। बाबर आजम ने कहा कि हम ये हदफ 13.5 ओवर में हासिल करना चाहते थे ताकि रन रेट अमेरिका से अच्छा हो, मगर पिच मुश्किल होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा, अगले मैच के लिए फ्लोरिडा की कंडीशन न्यूयॉर्क से बेहतर है, हम आइलैंड के खिलाफ जीत का सोचकर ही मैदान में उतरेंगे जबकि तमाम खिलाड़ी फतह के लिए खेलेंगे। वाजह है कि न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में कैनेडा ने पाकिस्तान को जीत के लिए 107 रन का हदफ दिया, जिसे कौमी टीम ने 17.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।